मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं, यह बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं, और उत्तर में बाबा कहते, बच्चे, अपनी उन्नति के लिए पहला, सदा याद की यात्रा पर रहो, याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी, और दूसरी बात, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो, और तीसरी बात जो बाबा ने कही कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो, बाप की याद में टाइम सफल करो, और चौथी बात बाबा कहते, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रिकुटी में सबसे न्यारी, अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रिकुटी में नहीं। भल सिर में दर्द पड़ेगा परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन तो एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी, शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है, आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित तो हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं फिर कला कम कैसे होती है, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, सत्युग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो यह बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमोप्रधान बनी है उनको सतोप्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें और वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमोप्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है, उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाप कहते हैं, यह छीछी तमोप्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं, पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्मा को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत, बाकी वह सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है।
आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं, कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है। बाप कहते हैं, इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं तो तुम ऊंच ते ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिब्रेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं, कमाल है बाप की। तब कहते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ईश्वरीय मत से चढ़ती कला और मानव मत से उतरती कला, यह भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं कि अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि यह नरक है या स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता ही नहीं, अर्थक्विक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते हैं, द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीज़ें नीचे दब गई हैं, सो तो ज़रूर अर्थक्विक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहाँ से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं, मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ तो मेरी ज़रूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज़ ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। यह घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाप के गुण गाओ। ऐसे नहीं कि बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को बहुत फुर्सत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते हैं, कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंक निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई नहीं। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज़ रोज़ समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। यह टेप रखी है, यह भी अपने में आवाज़ भर कर जाती है सर्विस पर। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं, शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं।
तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पद्मपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ, सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैशाल्य। बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इससे जास्ती मार्जन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते हैं तब अशांति हो जाती है, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह न सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता है। नाहक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी और फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगा, बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे और अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है। हैं तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई दो जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है और कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है, अपने को आत्मा समझ। बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो बागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी नशावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, यह मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद ना करो, कोई आगे की कोई आश मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पर फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है। सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है स्वदर्शन चक्र से मारा। यह सब कथाएं हैं, बाप तो हिंसा कर न सके।
यह तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है, यह बातें सब इस समय की है। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं और दूसरे तरफ तुम हो, जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे, इसमें चमत्कार की बात नहीं। बाप रहम दिल है, दुख हटता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है, बाप जैसा गुणवान बनना है। और सेकंड पॉइंट है, जो बीता उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अडोल रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है और पत्थर की वैल्यू नहीं रत्न की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की चीज़ है। कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। ओम शांति। तो आज अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।